सो पंकज, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। जी सर। सर, मेरा नाम पंकज राजपूत है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के प्रेमपुर गांव का निवासी हूँ। सर, मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी से, और सर मैंने एमए किया हिंदी साहित्य से, और सर मैं एनसीसी में रहा हूँ। एनसीसी के मैंने ए बी और सी तीनों सर्टिफिकेट्स किए हैं, और ये सिविल सेवा परीक्षा मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। तो इंटरव्यू पहले दिया है, नहीं सर, पहला अटैम्प्ट इंटरव्यू के लिए। तो आपने ये हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लेके एमए किया हिंदी साहित्य में, वो टोटली डिसकनेक्टेड है, डिफरेंट है बिल्कुल। जी सर। तो वो क्या सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए किया या आपकी रुचि थी, क्या था? दोनों ही चीज़ें थी सर, रुचि भी थी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी था। क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था, तो मुझे एक अलग विषय पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे काफ़ी कनेक्टेड था वो। अच्छा, तो आपके हिंदी लिटरेचर के बारे में कुछ पूछें, जी सर। आप ही बताएंगे कि ऐसे कौन से कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं जी सर। हिंदी लिटरेचर में, जिन्होंने गद्य पर भी लिखा, पद्य पर भी लिखा, और उनको हर चीज़ में, दोनों चीज़ों में पुरस्कार मिले। सर जी सर, जयशंकर प्रसाद, उन्होंने गद्य और पद्य दोनों पे लिखा है, और अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, उन्होंने भी सर गद्य और पद्य दोनों में लेखन कार्य किया है। कोई ऐसा बताएंगे कि जिसने कि वीर रस में भी लिखा हो जी सर। और गद्य भी लिखा हो, पद्य भी लिखा हो, और यू नो श्रृंगार रस पे भी लिखा हो, और श्रृंगार रस में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जी सर, रामधारी सिंह दिनकर। जी सर, उन्हें उर्वशी के लिए, उर्वशी के जो लिए कि मिला, श्रृंगार तो से संबंधित उर्वशी का थे। क्या कॉन्टेक्स्ट था? सर, उर्वशी में जो पुरुरवा है, वो काम उत्तेजक पुरुष के प्रतीक है, और जो उर्वशी है वो कामनाओं की प्रतीक है। उसमें सर दिखाया गया है कि मतलब प्रेम के विभिन्न रूप दिखाए गए हैं, दाम्पत्य रूप भी दिखाया गया है, और जो एकांगी रूप था वो भी दिखाया गया, और सीनरी के माध्यम से। तो प्रेम के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया गया सर उसमें। उर्वशी जो उसको छोड़कर चली जाती है संतान होने के बाद में, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? सर मैं समझ नहीं पा रहा सर। जी सर। चलिए, इनको गद्य में किस चीज़ का पुरस्कार मिला था? गद्य में सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। संस्कृति के चार अध्याय, जी सर। अच्छा है। संस्कृति के चार अध्याय आपने सुना होगा, रामधारी जी सिंह सर। दिनकर का जी ही। सर। इनको जी सर। साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था सबसे पहले, ज्ञानपीठ से 20 साल पहले। तो जी सर। उसके बारे में पढ़ा है? नहीं, नहीं बता सर, सकते हैं मैंने आप, कुछ गेस संस्कृति भी की, कर सकते हैं कि क्या लिखा था उन्होंने? संस्कृति के चार नहीं सर अध्याय क्या होते मुझे हैं? मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया पढ़ा है। नहीं सर, पढ़ा नहीं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। पंकज, आपने थोड़ा डिप्लोमेसी के बारे में पूछूंगी, कल्चरल डिप्लोमेसी के बारे में कुछ सुना है? जी मैम, सुना तो है। और क्या होता है कल्चरल मैम, डिप्लोमेसी? जब कल्चर डिप्लोमेसी के केंद्र में हो जाए, मतलब जैसे कि हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का पार्ट मान सकते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी को। जैसे मैम, जो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं या ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं, उसमें मैम बुद्धिज़्म है, तो हम चूंकि बुद्धिज़्म का भारत केंद्र है, यहाँ पर जन्म हुआ है बुद्धिज़्म का, तो इस प्रकार से हम उनसे अपना लिंक स्थापित कर पाते हैं, सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर पाते हैं। एक ये भी माध्यम हो जाता है सांस्कृतिक डिप्लोमेसी। और हिंदुइज्म भी तो गई थी, जी अगर आप मैम, देखेंगे इंडोनेशिया वगैरह इंडोनेशिया में। में तो जी मैम। हिंदुइज्म का ही सा बहुत अभी तक, जी, आज तक आज तक वहाँ अफेक्ट पे है। रामायण थाईलैंड वगैरह में में। भी है, जी साउथ ईस्ट मैम। एशिया में, तो सिर्फ बुद्धिज्म का नहीं, और बुद्धिज्म जी मैम। ज़्यादातर इंडिया से गई, लेकिन वहाँ तो श्रीलंका से गई ना, साउथ ईस्ट एशिया में। जी मैम। तो आपको लगता है कि जो वहाँ की लैंग्वेज पे भी कुछ इन्फ्लुएंस है हिंदी का या यहाँ संस्कृत का, उनकी लैंग्वेजेस पे? मैम, लैंग्वेजेस पे भी इन्फ्लुएंस है, और करेंसी वरेंसी सब पे इन्फ्लुएंस देखा जाता है। मैं एक करेंसी देख रहा था जहाँ गणेश जी की फ़ोटो थी, शायद इंडोनेशिया की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लैंग्वेज पे एग्जैक्ट क्या इन्फ्लुएंस है मैं इसके बारे में पाली, अवेयर नहीं हूँ। पाली भी सुना होगा आपने, थोड़ा पाली का संस्कृत से इन्फ्लुएंस था, जी मैम। तो जी वो मैम। सब जगह गई थी पहले, तो जी मैम। वो वहाँ पे उनका, और अंकोर वाट आपने सुना है, तो जी वहाँ पे मैम। भी सब जगह इन्फ्लुएंस था इंडिया का। तो एनीवे, जी दूसरी बात ये कि
कि बात होती है इंडिया चाइना की, इंडिया चाइना, चाइना में भी हमारा काफ़ी इन्फ्लुएंस बहुत पहले रहा था, उनके स्कॉलर्स भी यहाँ आते थे, लेकिन इस वक्त वो जो कल्चरल कनेक्ट था वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, सरकारी लेवल पे एटलीस्ट। तो क्या कुछ बताएंगे इस वक्त क्या हमारे ताल्लुकात हैं चीन और इंडिया के बीच में और क्यों हैं, इस क्या स्थिति है? मैम, चूंकि बुद्धिज़्म चाइना में एक बहुत बड़ा रिलीजन हुआ करता था, अब भी और है, थोड़ा अब भी है जी मैम, तो हमारे कल्चरल कनेक्ट थे तिब्बत के, तिब्बत में तो मैम बुद्धिज़्म ही प्रमुख है, तो इस मामले में भी हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। और मैम नालंदा विश्वविद्यालय में तो वहाँ के जो स्कॉलर थे ह्वेनसांग फायन, वो पढ़ने भी आते थे। कुछ हमारे भी स्कॉलर जो है चीन में गए थे, वहाँ पर उन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार भी किया, तो सांस्कृतिक संबंध हमारे लंबे समय तक रहे हैं। लेकिन मैम सीमा विवाद के चलते जो संबंध हमारे बने, हमने एक और कोशिश की थी मैम अनौपचारिक वार्ता के रूप में, जिसे हम वुहान स्पिरिट और उसके बाद मैम हमने महामल्लपुरम में जो वार्ता की थी। लेकिन अभी जो हम गलवान वैली पर देख रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं वुहान के बाद जो हमने किया और जो महाबलीपुरम में किया, तो चीन ने क्या किया, उसका जवाब क्या दिया? मैम उसका जवाब मैम हमें सीमाओं पर देखने को ही मिला है, तो जाहिर सी बात है जो वो हमारे प्रयोग जो है उतने सफल नहीं हो पाए, तो वो वार्ता जो है क्या मुद्दा क्या है, क्यों नहीं ये चलती जा रही, विवाद क्यों चल रहा है, क्यों ये कॉन्फ्रंटेशन होता चला जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है बॉर्डर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे? चूंकि चाइना का ऐसा मानना है कि बॉर्डर जो है वो परिभाषित नहीं है, सेटल्ड नहीं है, और वो जो संधि हमने की थी तिब्बत के साथ में अंग्रेजों के समय में, उसको चाइना इनकार करता है उस चीज़ से। तो चूंकि बॉर्डर सेटल्ड नहीं मानता वो, इस कारण से कई बार ऐसा होता है कि उसकी एक स्ट्रेटजी मैम जैसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं कि वो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके बाद वो उतना पीछे नहीं हटते वार्ता के माध्यम से जितने पहले थे, मतलब पूर्व की स्थिति में नहीं जाते, तो धीरे धीरे वो क्षेत्र पर कब्जा करते चले जाते हैं। तो वो उसी स्थिति के तहत काम कर रहे हैं मैम, उसी स्ट्रेटजी के तहत। और वो क्या कहते हैं कि सब हमारा हिस्सा है, सब कुछ हमारा ही है? मैम 1952 अगर मैं गलत नहीं हूँ या 54 में उन्होंने दावा किया था कि हम पुराने समझौतों को नहीं मानते, वो हमारे ऑफिशियल्स के साथ नहीं हुए हैं ठीक से। तो उन्होंने मैम एक ऑफ़र दिया था इंडिया को उस समय कि आप अक्साई चिन पर दावा छोड़ दीजिए, हम अरुणाचल पर दावा छोड़ देंगे, जैसे वो नेफा पहले हमारा हुआ करता था, मतलब पहले नेफा नाम देते थे हम लोग, जिसको भारत सरकार ने मना कर दिया था उस समय। तो उनका दावा यही था। और कोई कारण है कि ये क्यों नहीं सेटल हो रहा है बॉर्डर, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है मैम कि अगर बांग्लादेश की तरह होता बॉर्डर, जिनके साथ हमारे दोस्ताना संबंध है, और एक्सचेंज का मामला होता कि कुछ क्षेत्र हम उनको दे दें और कुछ क्षेत्र ले लें, तो शायद हम सेटल कर पाते। अभी बात यह है कि केवल चीन का ही दावा है भारतीय क्षेत्रों पर, अगर हमारा भी कुछ दावा होता तो शायद हम बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर पाते। तो केवल चाइना कहते हैं अरुणाचल हमारा है, हम तो दावा है हमारा जी, वो कहते नहीं हमारा टिबेट का हिस्सा है, सदर्न टिबेट है जी मैम, लेकिन वो चाहते हैं, क्या चीन चाहता है कि इसका सेटलमेंट हो? आपको क्या लगता है देखते हुए कि जैसे हालात हैं, क्या वो चाहते हैं कि इसका सेटलमेंट हो, डिमार्केशन हो बॉर्डर का? मैम वो चाहते हैं कि अगर डिमार्केशन हो तो वो उनके फेवर में जाए, जाहिर सी बात है क्योंकि वो हमारे क्षेत्र का दावा कर रहे हैं। डिमार्केशन हो गया, अगर डिमार्केशन हो गया तो मुद्दा खत्म जी मैम, तो ये क्यों लगे हुए हैं इंडिया को पिन प्रिक्स देने में? मैम इसलिए देने में लगे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रकार का वो दावा कर रहे हैं वो बातचीत के माध्यम से कभी सॉर्ट आउट हो नहीं पाएगा, इस कारण से वो इस प्रकार की टैक्टिक्स अपना रहे हैं। और वो चाहते हैं इंडिया ऊपर ना आए, उभरे ना, उनको चैलेंज ना करे एशिया में, वो अपना दबदबा बना के रखें और सब पे कंट्रोल रखें। वो एशिया के तो आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में भी इसके संदर्भ में सुना होगा जी मैम, क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो कहा जाता है जी मैम, ये शब्द मैम यूएस की तरफ से दिया गया था, इसमें ये कहा गया था कि चाइना जो है भारत को घेरने की नीति पर काम कर रहा है, वो छोटे छोटे मोतियों के रूप में जैसे हम कहते हैं, जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें अपनी पैठ मजबूत करता जा रहा है और भारत को घेर रहा है एक प्रकार से, जैसे बांग्लादेश में भी घेर रहा है, श्रीलंका में अमन टोटा का हमने केस देखा ही, मालदीव्स में भी उसकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है, इंडिया गो बैक किनारे भी लग रहे हैं वहाँ पर, और पाकिस्तान में तो हम ग्वादर पत्तन के रूप में देख ही रहे हैं मैम, सी पैक के रूप में। तो एक प्रकार से वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर को वो अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं जी मैम जी मैम। रेत समाधि का नाम सुना आपने जी मैम, बताइए कुछ।
मैम, रेत समाधि गीतांजलि श्री द्वारा लिखित तो उपन्यास है जिसके अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड जो डीजी रॉकवेल ने किया था उसको अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इस समय। जी मैम, मैम मैंने समरी पढ़ी है उसकी, पूरा उपन्यास नहीं पढ़ा। तो रेत समाधि जो टाइटल है मैम उसका मतलब ये होता है कि हम जो है मतलब अगर हम एक शब्द में बोले तो किसी भी चीज़ को अस्थायी रूप से छुपाना या तो उनका मानना ये है टाइटल की में कि हम व्यक्ति की भावनाओं को या किसी भी चीज़ को लंबे समय तक दबा के नहीं रख सकते, वो एक ना एक दिन उभर के सामने आई जाती। तो उसके कैरेक्टर के माध्यम से ऐसा ही हुआ है। तो ये बताइए कि आपके फेवरेट सबसे चहेते कवि कौन से हैं हिंदी साहित्य? मैम कबीर मेरे फेवरेट हैं। कबीर हैं जी मैम। कबीर की प्रासंगिकता के बारे में बताएंगे कुछ? जी मैम। मैम कबीर जिस काल में थे उस काल में जातिवाद, संप्रदायवाद, धार्मिक आडंबर ये सब बहुत बड़ी मात्रा में विद्यमान था, आज की तुलना में तो काफ़ी अधिक था। तो उन्होंने उस पर चोट की, जातिवाद पर चोट की, सांप्रदायिकता पर चोट की, और जो धन संचय था, सामंतवाद था, और जो धार्मिक आडंबर थे उन पर चोट की। इस कारण से मैम वो प्रासंगिक। अच्छा, तो कोई उनका एक ऐसा दोहा बताएंगे जो कि बहुत प्रासंगिक? जी मैम, अगर हम जातिवाद पे देखें तो वो लिखते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरे को बजे सो हरे का हुए। और अगर हम धन संचय न करने की बात करें तो वो ये कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, ये बंगाल रेनेसां जी मैम, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री भी आपका एक, इतिहास भी आपका एक विषय रहा है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाले किसको मानते हैं आप? मैम ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन रॉय ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाले थे उसमें, और स्वामी विवेकानंद भी। अच्छा, तो बताइए राजा राम मोहन रॉय के बारे में कि उनका उन्होंने किन चीज़ों को ऊपर बल दिया? मैम उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो मैम सती प्रथा जो निरोध कानून लाया गया था ना 1829 में उसके लिए माना जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखे जिससे कि सरकार पर दबाव बना कि वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाएं, तो सरकार ने लगाया भी। दूसरा मैम वो वैज्ञानिक शिक्षा पर भी बल देते थे, केवल जो धार्मिक ग्रंथ हैं या जो आध्यात्मिक शिक्षा उसके साथ साथ वैज्ञानिक शिक्षा पर भी बल देते थे, और इस कारण से वो कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। और मैम वो एकेश्वरवाद पर बल देते थे और मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया है और धार्मिक आडंबरों का खंडन किया। और ऐसे ही कोई बंगाल से बाहर उसी उसी टाइम पीरियड के दौरान 19th सेंचुरी में बंगाल से बाहर मैम रेनेसां? हाँ हाँ, जिन्होंने उसी तरह के कार्य किए। मैम स्वामी दयानंद सरस्वती थे, वो गुजरात से आते थे और पंजाब में भी आर्य समाज उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, तो आर्य समाज का पंजाब में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। उनका मुख्य उपदेश क्या था? मैम आर्य समाज उनका मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटने का। वो कहते थे कि वर्तमान में जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो वेदों की शिक्षा को भूल चुका है, तो कहीं ना कहीं हमें उसी शिक्षा की ओर दोबारा देखने की ज़रूरत है, उसी शिक्षा को अपने आचरण में उन्हीं मूल्यों को अपनाने की ज़रूरत है, उनका ही उपदेश। और साथ में उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए ना? जी मैम। ये तो थोड़ा धार्मिक हो गया पर सामाजिक में सामाजिक कार्य भी किए। क्या क्या किया जैसे? मैम सामाजिक कार्यों के स्तर पर बात करें तो उन्होंने महिला शिक्षा के मुद्दे को भी उठाया और जातिगत भेदभाव की बात करें तो उन्होंने जातिगत भेदभाव का खंडन किया है। आज भी आर्य समाज जातिगत भेदभाव का खंडन करता है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने बजट तो देखा होगा। हा? जी जी मैम। उसमें कहाँ कौन सा आउटले किस स्कीम पर था जो आपको लगा कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, इसकी बहुत जरूरत थी, बहुत कमी थी और ये होनी चाहिए? मैम मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाले जो आउटले उस पर मुझे लगा उसमें 33% वृद्धि की गई है, 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाएँ। और उसमें दूसरा एक और प्रोविज़न था मैम जो कि पिछले साल भी था, इस साल उसको रिपीट किया गया है कि राज्यों को कहा गया है कि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आपको 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। तो ये मुझे लगा क्योंकि इससे
कहीं ना कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खासकर किस कौन सा एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? मैम इसमें मैम रेलवे पे भी फोकस किया गया है, क्योंकि इसमें इस बार रेलवे का बजट काफ़ी बढ़ा दिया गया है, और रोड कनेक्टिविटी और हेलीपैड वगैरह, तो उस पर एयरवे पे भी फोकस किया गया है। कुछ लगभग आपको अंदाज़ा है कि रेलवे में कितने लोग ट्रैवल करते हैं हर साल? मैम साल का तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है मैम किसी देश के बारे में कि इस देश में तो इतने हैं, इतने तो हमारे यहाँ एक समय में ट्रैवल कर रहे होते हैं, लगभग 1-1.5 करोड़ लोग हमें मतलब हमेशा ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी, चलिए ठीक है, ये तो हो गई मतलब रेल की बात। और सड़क का आप एक मेजर उदाहरण देंगे कि जो एक ऐसी सड़क आ रही है जिसमें कुछ एक वाइल्ड लाइफ के लिए खासियत है? वाइल्ड लाइफ के लिए मैं अभी उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया है कि वाइल्ड लाइफ ऊपर से चले और आराम से गुजरे, वो कौन सा मैम? मैंने भी देखा। चलिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। थैंक यू, बहुत अच्छे, थैंक यू। पंकज जी आप मुझे बताइए, प्राचीन इतिहास की अगर अपन बात करें तो प्राचीन काल में अपने विष्णु भगवान और शिव भगवान के ही मंदिर दिखाई देते हैं, उनकी मूर्तियां दिखाई देती है, दूसरे देवी देवताओं की क्यों नहीं दिखाई देती? सर एक और कारण है इसका, उस समय भक्ति भक्ति आंदोलन नहीं हुआ था, तो जो स्थानीय स्तर पर देवता थे उनका एक प्रकार से मैं अगर सामान्य शब्दों में कहूँ तो राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया था, मतलब वो जुड़ नहीं पाए थे। जैसे अगर हम आदिवासी संस्कृति की बात करें तो वहाँ पर देवी देवता देवियाँ काफ़ी प्रचलित थीं पहले, तो भक्ति आंदोलन के दौरान किया गया ऐसा कि उन देवियों का संबंध हमने जो मुख्य धारा की देवी थी उनसे जोड़ा गया, उनसे संबंध। जैसे अगर हम अभी देखें पूरी जो जगन्नाथ मंदिर है पूरी उड़ीसा का, तो मध्यकाल से पहले उनका विष्णु भगवान से कोई संबंध जुड़ नहीं पाया था, मध्यकाल में ऐसा हुआ कि उनका विष्णु भगवान से संबंध जोड़ा गया, तो इस प्रकार के संबंध बाद में जोड़े गए, तो मुझे लगता है कि इस कारण से हमें उस समय नहीं दिखाई देते। और उस समय सर चूँकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे, जिनको राजाश्रय दिया जा रहा था, और ब्राह्मण धर्म जो है वो उसकी तुलना में मध्यकाल में जो है थोड़ा सा बढ़ा, वो चूँकि उनका पतन देखने को मिला। विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, ये ऐतिहासिक कैलेंडर है, फिर भी हम क्रिश्चियन कैलेंडर को क्यों फॉलो करते हैं? सर चूँकि वर्ल्ड वाइड देखें तो क्रिश्चियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, और हम अपनी तुलना जो है विभिन्न संदर्भों में विश्व के अन्य देशों से करते हैं। जैसे कि अगर हम GDP की बात करें, कैलकुलेशन की बात करें, तो GDP की हम कंपैरिजन करते हैं तो अन्य देशों से करते हैं, तो इस कारण से हम उनसे फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनली जिसे फॉलो किया जाता है उस कारण से, क्योंकि वो फिर कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वैसे हम भारत सरकार सख्त संवत को अपनाती है अपने कार्यों में। मिहिर भोज द्वारा तेली का मंदिर बनाया गया था, आप ग्वालियर से आते ग्वालियर में, जी सर, जो कि एकमात्र उत्तर भारत का द्रविड़ शैली का मंदिर है, जी सर। तो द्रविड़ शैली और नागर शैली में क्या अंतर है? सर एक मंदिर, एक अंतर तो सर गोपुरम के स्तर पर है, जिसे हम दीवार सॉरी दरवाजा कहते हैं, तो द्रविड़ शैली में वो काफ़ी बड़े होते हैं, और सर नागर शैली में वो इतने बड़े नहीं होते, विशाल गोपुरम नहीं पाए जाते, और परकोटा के स्तर पर दीवार जिसे हम कहते हैं, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में हमें परकोटा देखने को मिलता है, नागर शैली के मंदिरों में देखने को नहीं मिलता है। जलाशय के स्तर पर बात करें तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में सामान्यतः हमें जलाशय देखने को मिलता है और बड़े विमान देखने को मिलते हैं, नागर शैली के मंदिरों में नहीं देखने को मिलते। ठीक है, दौलतराव सिंधिया जी के बारे में बताइए, जो कि सिंधिया वंश की राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर लेकर आए थे। सर उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ग्वालियर घराने के स्तर पर माना जाता है, उन्होंने जो ख्याल गायन है उसको संरक्षण दिया था, और जो ग्वालियर घराना है संगीत का उसको मजबूत करने का काम किया था, कई संगीतकारों को संरक्षण दिया था उन्होंने अपने दरबार में। ग्वालियर के किले को उत्तर का प्रवेश द्वार बोला जाता है, वारेन हेस्टिंग ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर बोला था, तो मुझे बताएंगे जिब्राल्टर जल संधि के बारे में बताएंगे क्यों बोला गया पूर्व का जिब्राल्टर? सर जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, और जिब्राल्टर एक ब्रिटेन का एक स्थान है, पहले स्पेन का हुआ करता था, उस पर फिर ब्रिटेन का कब्जा था, वहाँ पर सर नौसेना और सैन्य अड्डे हुआ करते थे, अभी भी हैं,
ब्रिटेन के, तो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान था। और ग्वालियर, चूंकि सर ग्वालियर का किला भी सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है, अधिक ऊंचाई पर स्थित है, उस पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था, और सैनिकों के दृष्टिकोण से भी सर वो एक बहुत बड़ा सेंटर रहा था, इसलिए जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। जो बागी है, बागी और डकैत में क्या अंतर है? सर इसका टेक्निकल अंतर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ अगर आप कहें तो। सर बागी सर कह सकते हैं जो व्यवस्था की अवहेलना करें, व्यवस्था से असंतुष्ट होकर अवहेलना करें, जैसे अगर व्यवस्था उसे न्याय दिलाने में सक्षम ना हो पाए तो वो फिर उसके खिलाफ जाने की कोशिश करें, उसको हम कह सकते हैं बागी। डकैत सर, डकैतों का संबंध सर लूट मार से ज़्यादा किया जाता है, वो किडनैपिंग वगैरह और उसके बाद फिर फिरौती मांगना या फिर लूटना। आप चंबल रीजन से आते हैं, चंबल रीजन में सबसे बड़ी समस्या रेत माफिया की है, एक आईएएस ऑफिसर की उसमें डेथ भी हुई थी कई सालों पहले, आपको आईपीएस ऑफिसर सॉरी, तो मुझे बताएंगे आप रेत खनन की जो समस्या है उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? सर रेत खनन की जो समस्या है सर वो दो तीन कारणों से है। एक तो कारण ये है सर कि उसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जो अवैध रेत खनन हो रहा है उसको, तो हमें जो प्रयास है वो पॉलिटिकल लेवल पर भी करने होंगे, केवल प्रशासन चाहे या कोई एक प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो उसको काम को नहीं कर सकता। तो हमें पहले तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उच्च स्तर के, उनको कन्विंस करना होगा और पूरा एक टीम स्पिरिट के साथ प्रशासन को काम करना होगा। मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, हम कर सकते हैं उस चीज़। क्या आप धार्मिक इंसान हैं? क्या आप धार्मिक इंसान हैं? सर बहुत रूढ़िवादी धार्मिक इंसान नहीं, लेकिन मैं चूँकि ईश्वर को मानता हूँ, आस्था है, आस्तिक हूँ, तो आप धार्मिक कह सकते हैं संदर्भ। किस ईश्वर को आप मानते हैं? आपके इष्ट देवता का नाम क्या है? सर मैं हनुमान जी को मानता हूँ। हनुमान जी को मानते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, आप राजपूत समाज से आते हैं। जी सर। तीन महान वीर राजपूत राजाओं के नाम बताइए। सर महाराणा प्रताप, उनका वीरता में नाम लिया जाता है, और इसके अलावा सर रत्नसेन का भी वीरता में तो नाम लिया ही जाता है, और सर और एक राणा कुंभा हुआ करते थे, उनका भी नाम। धन्यवाद। आपसे एक आध क्वेश्चन और पूछूंगा। जी सर। निक्सी के बारे में सुना है, निक्सी क्या चीज़ है? नो सर। इंटरनेट एक्सचेंज। इंटरनेट एक्सचेंज नहीं सर, मैं उसके बारे में उतना अवेयर नहीं। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं कि आईटी रूल्स जो बनाए हैं अभी? जी सर। उसका क्रक्स क्या है, वो तो उसका मेन मुद्दा क्या है? सर उसमें सर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो कि जो इंटरनेट जो कि एक भारतीय होगा एक प्रकार से, और एक मल्टी लेयर्ड शिकायत निवारण सिस्टम स्थापित किया गया है उसमें, कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म एक के बाद एक, और एक प्रकार से जवाबदेही सुनिश्चित की गई है जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनकी। और सर कुछ मतलब गवर्नमेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त करे या उनको जब कंप्लेंट मिले तो उनके लिए एक समय निर्धारित किया गया है कि उनको वो जो कमेंट है या जो शेयर किया गया उसको इतने समय में उससे डिलीट कर दें, इस प्रकार की चीज़ें सर, एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की गई है। पूछ रहा था कि आपको बाकी सब चीज़ों के बारे में सब कुछ मालूम है, इसके बारे में मालूम है कि नहीं, इसीलिए मैंने पूछा। थोड़ा वेब सीरीज भी लिखा हुआ है, तो बहुत। आपका अपना क्या विचार है आज के इंटरव्यू के बारे में? सर चूंकि मेरा गला ख़राब है तो थोड़ा सा आवाज़ चेंज हो गई है, तो उस कारण से थोड़ी नर्वसनेस भी है, उस कारण से भी, और वैसे भी नर्वसनेस है। नहीं, आपको नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छे, जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं, अगर ऐसे ही जवाब देते रहे जी सर, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, आप टॉप के कुछ लोगों के अंदर होंगे इंटरव्यू में मार्क्स में, अगर आपको इसी तरह से आपने जवाब दिए तो जी। और अगर आपका हिंदी लिटरेचर में आपका अगर अच्छे नंबर आ गए रिटर्न में, तो आप किसी ना किसी सर्विस में जरूर उतरोगे। थैंक यू। तो कब है आपकी इंटरव्यू? 15 फरवरी को सर। 15 फरवरी को है, तो अभी तैयार हैं आप? अच्छी तैयारी है, तैयारी अच्छी है, सब कुछ आपको मालूम है थोड़ा सा, ये इंटरनेट, ये G20, इन सब चीज़ों के बारे में, G20 जो आजकल करंट है, चीज़ों के बारे में पता कर लें, और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हमने ज़्यादा पूछा नहीं, लेकिन वो पूछ सकते हैं आपसे, तो उसके बारे में पता कर लें, वेब सीरीज के बारे में, हिंदी मूवी
के बारे में कोई पूछ सकता है कौन सी मूवी है वही, हां कौन सी मूवी देखी, उसका क्या मेन थीम है, क्या उससे सीख मिलती है, या वेब सीरीज में कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, इस तरह की चीज आपसे पूछी जा सकती है, उसके बारे में तैयारी करनी है। वेब सीरीज में क्या रूल्स बनाए हैं, अभी तो सेल्फ रेगुलेटरी है, सेल्फ रेगुलेशन अभी तक उस पर कोई वो बना नहीं है, लेकिन वेब सीरीज और हिंदी मूवी के अंदर क्या मूवीज में क्या डिफरेंस है, कोई डिसएडवांटेज है मूवीज को, जैसे पठान मूवी थी जी सर, उसको रिकॉल कर उसको उसको परमिशन मिल गई थी बोर्ड से, लेकिन फिर भी दोबारा उसको करेक्शन करने के लिए बोल दिया, वेब सीरीज में नहीं करते ऐसा जी सर, वेब सीरीज में कोई रेगुलेशन जो मर्जी आप जा रहे हो उससे क्या हमारी क्या एडवांटेज है क्या एडवांटेज नहीं है, ये सब आपको पूछा जा सकता है उसके बारे में जी सर, इसके लिए बताइए। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। थैंक यू सो मच। उसी में एक और चीज़ ऐड करूंगी, जैसे हमारे जो साउथ इंडियन, आप तो बॉलीवुड के हैं लेकिन RRR को और नाटू नाटू को सबको जो नॉमिनेशन मिले हैं जी सर, उसके बारे में भी जस्ट बी अवेयर कि कहाँ कहाँ पहले कितने ऑस्कर नॉमिनेशन मिले हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, और ये बॉलीवुड इज इन एंड अदर यू नो इंडस्ट्रीज वेरी गुड कल्चरल डिप्लोमेसी के आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में, इट्स अ वेरी गुड टूल, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड आप देख आपका फेवरेट है तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी का बाहर, तो आजकल के ज़माने में पहले तो जो था आजकल कुजीन, सिनेमा, क्लोथ्स, यू नो बाहर के देशों में इंडियन क्लोथ्स पहन के शादियाँ होती हैं लोगों की, यू नो, सो ऑल दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर कल्चरल डिप्लोमेसी जी मैम। और ओवरऑल बहुत, जैसे उन्होंने कहा सर ने कि आपका बहुत अच्छा था एंड यू विल डू वेल, थोड़ा ब्रशिंग अप हियर एंड देयर, लिटिल मोर फोकस्ड एंड थोड़ा नर्वसनेस कम करिए, टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे करके बैठे हैं, नो थोड़ा सा यूज करिए, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा जेस्टिकुलेट, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा जेस्टिकुलेट कर सकते हैं और रिलैक्स, कि जब आपका माइंड रिलैक्स, आपका आप रिलैक्स होंगे माइंड भी रिलैक्स होगा, आप और भी बेहतर अपने आप को आर्टिकुलेट कर पाएंगे, है ना, बहुत ओवरऑल ऑल गुड। एंड जैसे सर ने कहा वेरी, थोड़े तीन चार दिन है, थोड़ा सा और ब्रशिंग करिए, टॉक टू योरसेल्फ इन द मिरर एंड थोड़ा प्रैक्टिस करिए नॉट टू बी नर्वस जी मैम, है ना, जस्ट रिलैक्स एंड आंसर, बहुत बढ़िया, आपको टेंशन होने की जरूरत नहीं क्योंकि आप बाकी लोगों के मुकाबले में काफी ज्यादा बहुत सूझबूझ के साथ, बिल्कुल आपको देख के लगता है कि हाँ, जब आप जिस तरह से आप जवाब देते हो तो उससे देख के महसूस होता है कि आपने इस चीज के बारे में इसका गहन अध्ययन किया और आपने उसको अपने आप अंदर वो क्या कहते हैं इंटरनलाइज कर लिया और हिंदी में शब्द नहीं पता, इंटरनलाइज किया तो इंटरनलाइज कर लिया और उसके बारे में आपका एक व्यू बन गया है, अपना ओपिनियन की तरह से, तो बहुत अच्छी, बहुत कम लोगों में ये चीज है, बिल्कुल आपको बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है, टेंथ होकर बैठ बैठो मत, आराम से बैठो, रिलैक्स हो गया और आप बहुत अच्छा करोगे। एक ये नाटू नाटू वगैरह के बारे में बोला मैडम ने जी सर, तो उसके बारे में एक और मुद्दा आजकल चल रहा है कि क्या हमें, हम ये ऑस्कर में इनको दो नॉमिनेशन मिल गए हैं, हम लोग बड़ा चल रहे हैं कि इसको ये मिल गया, क्या हमें जरूरत है बाहर जाकर विदेशों के इंडस्ट्री में जाके और उनसे वैलिडेशन देने की जी सर, ये एक सवाल बन सकते हैं। तो पंकज आप, मुझे लगा बहुत सूझबूझ और बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे हम सबको, बिल्कुल मैं सबसे सहमत हूँ कि आप बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं और जिस तरह से आप जवाब देते हैं उस तरह से और लोगों को भी बता कि देखो, आप खुद अपने इंटरव्यू को दोबारा देखिएगा, आपको रिकॉर्डिंग शायद मिलेगी तो आप उसको एक बार देखिएगा और कोशिश करिएगा कि ऐसे ही रहिए, थोड़ा बहुत हाथ हल्का फुल्का यूज कर सकते हैं कुछ समझाने के लिए, तो जैसे आप ही मतलब कुछ कहना हो ना कि जैसे बहुत स्टिफ नहीं बट हाँ कीप इट लाइक दिस, हाँ नॉर्मल, हाँ तो जैसे ऐसे करके भी कुछ बताना हो या ऐसे करके बताना तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि आपको एक जगह चिपका कर रखना है, फ्रीज करके रखना है अपने हाथ को, हाँ। अच्छा दूसरे, क्योंकि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे चले गए तो मैंने आपको फिर कोई स्कीम पूछी नहीं, ठीक है जी मैम, नहीं तो स्कीम्स, सोशल सेक्टर स्कीम्स और एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि हिस्ट्री भी आपका है, रीराइटिंग हिस्ट्री के ऊपर भी वो आपको पूछ सकते हैं जी, और जो स्कीम्स है ना, आवास योजना वगैरह, जल जीवन मिशन, ये सब रूरल सेक्टर की, खासकर रूरल हाउस होल्ड रूरल सेक्टर की स्कीम्स जी मैम, इनके ऊपर काफ़ी जोर रहेगा आगे के आने वाले मतलब साल में, तो उसके ऊपर आप खासकर ध्यान थोड़ा अपना गौर दीजिएगा, और बजट के और भी कि कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है ये सब, क्योंकि बजट 15 फरवरी है तो बजट और भी रीसेंट है, 26 जनवरी के दौरान आपने परेड कमांड की हुई है, यहाँ पर 26 जनवरी में क्या क्या खासियत थी, जी नाम वाम बदले गए हैं ना, मैंने काफ़ी तैयारी कर ली है और कर लूँगा।